हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दो काफी पॉपुलर सेमी प्रीमियम कार्ड्स का कंपैरिजन करेंगे। ये कार्ड्स हैं HDFC रिगालिया और बैंक ऑफ बड़ौदा एटर्ना क्रेडिट कार्ड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इन कार्ड्स की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी से। तो HDFC रिगालिया क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 2500 रुपए प्लस GST। रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो अगर आपके पिछले साल के मिनिमम स्पेंड 3 लाख रुपए हैं तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा एटर्ना क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 2499 रुपए प्लस टैक्सेस। और जहां तक रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो अगर आपके पिछले साल का खर्चा 2.5 लाख या उससे ऊपर का है तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। अब अगर वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें, स्टार्ट करते हैं रिगालिया कार्ड से, तो ज्वाइनिंग फी पे करने पर आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और रिन्यूअल फी पे करने पर भी आपको 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बट अगर आपको ये कार्ड एज अ लाइफ टाइम फ्री कार्ड मिला हुआ है तो आपको किसी भी तरीके के रिन्यूअल या वेलकम बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, यानी कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अगर हम रिकवरी की बात करें तो एक पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है 50 पैसा, तो आपकी ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी इन बेनिफिट्स से रिकवर नहीं होती है। एटर्ना कार्ड पर आपको एज अ वेलकम बेनिफिट फिट पास प्रो की 6 मंथ्स की मेंबरशिप मिलती है। इस मेंबरशिप से आपको जिम्स और योगा का एक्सेस मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा क्लेम करता है कि आपको अराउंड 15,000 रुपए का बेनिफिट मिलता है इस मेंबरशिप से, बट हमारे ओपिनियन में ये बेनिफिट अराउंड 5,000 रुपए का है, जो कि स्टिल काफी अच्छा है। इस कार्ड पर कोई रिन्यूअल बेनिफिट नहीं मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इन कार्ड्स के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। रिगालिया कार्ड पर आपको मेजरली एक ही नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट मिलता है और वो है लाउंज एक्सेस का। तो आपको इंडियन एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर 12 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में। आपको प्रायोरिटी पास के थ्रू 6 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स मिलती हैं एक साल में। आप प्रायोरिटी पास अपने लिए और एड ऑन कार्ड होल्डर्स के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन आपको साल में मैक्सिमम 6 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस ही मिलेंगे। अब अगर एटर्ना कार्ड की बात करें तो लाउंज एक्सेस में आपको अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है वीजा या मास्टर कार्ड की तरफ से, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा वेरिएंट मिला है। बट इस कार्ड पर आपको कोई ओवरसीज एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है। मूवी बेनिफिट में आपको पेटीएम पर बाय वन गेट वन फ्री टिकट अप टू ₹250 का ऑफर मिलता है। ये बेनिफिट आप 1 महीने में मैक्सिमम 1 ही बार ले सकते हैं। लास्ट में आपको इस कार्ड पर कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स और लेसन्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं इन कार्ड्स के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की। तो आपको रिगालिया कार्ड पर हर 150 रुपए के खर्च पर 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। फ्यूल, EMI, कैश विड्रॉल, वॉलेट लोड्स और रेंट पेमेंट्स पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और एक और पॉइंट नोट करें कि आप मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन पर एक दिन में, और ग्रोसरी पर मैक्सिमम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं एक कैलेंडर डे में। बेस्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद बात करते हैं एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स की। तो आप इस कार्ड पर HDFC बैंक के स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू सिलेक्टेड मर्चेंट्स, ब्रांड्स या कैटेगरी ऑफ स्पेंड्स पर एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप स्मार्ट बाय के थ्रू स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर होटल बुकिंग या मेक माई ट्रिप पर होटल बुकिंग करते हैं या IGP.com पर शॉप करते हैं तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यानी हर 150 रुपए के खर्च पर 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इंस्टेंट वाउचर्स, फ्लाइट्स, इमेजिन ट्रेसर और रेड बस के स्पेंस पर आपको 5x यानी हर 150 रुपए के खर्च पर 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। IRCTC और फ्लिपकार्ट के स्पेंस पर आपको 3x यानी कि हर 150 रुपए के खर्च पर 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये जो बेस रिवॉर्ड पॉइंट्स से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स है, यानी 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स से जो ऊपर बाकी के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो 90 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आप स्मार्ट बाय के थ्रू अर्न करते हैं उन पर कैपिंग भी है। आप एक दिन में मैक्सिमम 2000 एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं और कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 4000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स के बाद बात करते हैं स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन बेनिफिट्स की। तो अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आप एक साल में 8 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको एडिशनल 5,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगर बैंक ऑफ बड़ौदा एटर्ना कार्ड के स्पेंड बेस बेनिफिट्स की बात करें तो इस कार्ड का बेस रिवॉर्ड रेट है 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 100 रुपए के खर्च पर, लेकिन सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्पेंड्स पर आपको एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिलते हैं।
और ट्रैवल, डाइनिंग, इंटरनेशनल स्पेंड्स और ऑनलाइन शॉपिंग की कैटेगरी पर आपको 5x दैट इज 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स हर 100 रुपए के खर्च पर। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं आपको हर 100 रुपए के खर्च पर मिलते हैं, इस पर 5000 पॉइंट्स की लिमिट है एक मंथ में। 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स जो ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलते थे उनमें रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर भी 15 पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। आपको कुछ स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो पहला माइलस्टोन है जो आपको कार्ड इश्यू होने के पहले साल में ही मिलता है सिर्फ, और ये बेनिफिट है कि आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप कार्ड इश्यू होने के 60 दिन के अंदर 50,000 रुपए का खर्चा करते हैं तो। और दूसरा स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन बेनिफिट ये है कि अगर आप एक साल में 5 लाख से ऊपर का खर्चा करते हैं तो आपको 20,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडेम्पशन की। स्टार्ट करते हैं HDFC Regalia से। तो अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैशबैक यानी स्टेटमेंट क्रेडिट के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 20 पैसा, और आप मैक्सिमम 50,000 पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं स्टेटमेंट क्रेडिट में। और अगर आप इन पॉइंट्स को प्रोडक्ट कैटलॉग या वाउचर्स के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 35 पैसा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप इन पॉइंट्स को स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर होटल्स और फ्लाइट्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं। इन दिस केस आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलेगी 50 पैसा, बट जो आप फ्लाइट्स और होटल की जो भी बुकिंग करेंगे उसका उसके अमाउंट का 70% या पॉइंट से पे कर सकते हैं, बाकी का 30% आपको अपने कार्ड से पे करना होगा। और आप एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम 50,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही रिडीम कर सकते हैं फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स के अगेंस्ट एक कैलेंडर मंथ में। लास्ट रिडेम्पशन ऑप्शन है कि आप इन पॉइंट्स को एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 0.5 माइल। आप इन पॉइंट्स को क्लब विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस के क्रिस्प फ्लायर में और इंटर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर इटर्ना कार्ड की बात करें तो आप इन पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट, ब्रांड वाउचर्स, प्रोडक्ट कैटलॉग, फ्लाइट्स एंड होटल्स के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं, और आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिलती है 25 पैसा। अब अगर हम अपने ओपिनियन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ फीस, वेलकम बेनिफिट्स एंड रिन्यूअल बेनिफिट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा इटर्ना क्रेडिट कार्ड हमें बेटर लगा। और जहां तक नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात है, वहां पे Regalia का बस एक ही स्टैंड आउट फीचर है कि उस पर आपको प्रायोरिटी पास के थ्रू ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिल जाती हैं। बाकी डोमेस्टिक लाउंजेस, मूवी और गोल्फ बेनिफिट्स के कारण हमारे ओपिनियन में Eterna कार्ड पर बेटर नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अगर हम इन कार्ड्स पर रिटर्न की बात करें तो आप प्रीडोमिनेंटली फ्लाइट्स, होटल और इंस्टेंट वाउचर्स पर अगर खर्चा करेंगे तो आपको 5-6% का रिटर्न मिल जाएगा, जबकि अगर आप इन चीजों पर खर्चा नहीं करेंगे तो आपका रिटर्न होगा अराउंड 1.3%। रियलिस्टिकली स्पीकिंग इस कार्ड पर आप अराउंड 2.5% से 3.5% का रिटर्न ही अर्न कर सकते हैं आप, लेकिन कैशबैक के फॉर्म में रिटर्न अराउंड 1.5-2% होगा। जहां तक Eterna कार्ड की बात की जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग पर आप 3.75% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं, एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग आप 2-2.5% का रिटर्न अर्न कर सकते हैं, और ये रिटर्न कैशबैक के फॉर्म में रहेगा। ओवरऑल हमें बैंक ऑफ बड़ौदा Eterna HDFC Regalia कार्ड से बेटर लगता है, लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कस्टमर सपोर्ट काफी खराब है। हमारे ओपिनियन में इस कार्ड में अमेरिकन एक्सप्रेस के मेंबरशिप रिवॉर्ड्स, गोल्ड चार्ज और प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड बेटर है। Regalia कार्ड आप सिर्फ तभी कंसिडर करें अगर आपको ओवरसीज लाउंज विजिट्स चाहिए हो तो। तो यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।